13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। क्या मतलब है तुम्हारा के बच गया वो? हाँ, तुम्हारे होते हुए कैसे बच गया वो? तू तकिल कबीले वापस आ गया था। हम जंग के दहाने पर हैं। रोजाना हजारों तुर्कों का कत्ल हो रहा है। ओएदे का लश्कर बरकरफ्तारी से अनातोलिया की जानिब आ रहा है। इस सूरत हाल में हम लोगों का आपस में रंजिश रखना नाकाबिले मुआफी होगा। आपके ख्याल में सरदार आला का ओहदा हासिल करना इतना आसान होगा? मुश्किलात भी आएंगी, जाल भी बिछाए जाएंगे, जब तक तकलीफें नहीं उठाएंगे तब तक फतह का लुत्फ कैसे आएगा? अब हम लोग क्या करेंगे भाई? वक्त आ गया है कि हम हमला करें। तुमने कुछ सुना दुआन? अब हम तबाही मचा देंगे। तुमने साबित कर ही दिया कि तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो तामुद। संगुर तकिन की मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। नौयान का खेल खराब हो गया। वो शदीद गुस्से में होगा। हमें उसे अब कोई मौका नहीं देना है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक जहन्नुम वासिल न कर दे उसे। हम आपके साथ हैं भाई। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह भाई। सिपाहियों, अर्तुरुल भाई आ रहे हैं, होशियार हो जाओ। भाई, हमारा औरधा कब बहाल होगा? हमसे हमारी हैसियत कौन छीन सकता है दुआन? हम सिपाही थे और सिपाही ही रहेंगे हमेशा, ये तयशुदा बात है। भाई, आप कमान कब वापस लेंगे तूतकिन साहब से कमान कब वापस लेंगे भाई आप? वो फैसला जिरगे में हुआ था तो वही वापस लेगा, कोई और तरीका मुनासिब नहीं। हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। ठीक है भाई। अर्तुरुल भाई जिंदाबाद! 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 मेरे बहादुरों, आप सब सलामत रहे। आपने कभी तनहा नहीं छोड़ा मुझे, उस वक्त भी आंख बंद करके भरोसा किया मुझ पर।
जब मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ अंदर और बाहर से घिनौनी साजिशें करने में मसरूफ थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। ओज रिवायात व अकदार पर और दीन इस्लाम पर हमेशा कायम रहो। अर्तुरुल भाई जिंदाबाद, 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 अर्तुरुल भाई जिंदाबाद। मेरी बात गौर से सुनो एमक। सुंगुर तकिन और हलीमा सुल्तान हरगिज अलाउद्दीन से मुलाकात ना कर पाए। महल जाकर तुम ये सारा मामला देखोगे। वो अलाउद्दीन से मुलाकात करें उससे पहले उन्हें मारना होगा। तुम कल सुबह ही कोनिया के लिए रवाना हो जाओ। तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए तांगुत तुम्हारे साथ जाएगा। अगर इस बार तुमने कोई गलती की तो मैं कोनिया कर अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नोयान, अब्दुल रहमान और हमजा को साथ ले जाऊं अपने? वो दोनों यहीं रुकेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह उम्र दराज दे आपको। जज़ाकअल्लाह। हमारी रवानगी का वक्त आ गया है। आप ना होते तो इन मुश्किलात पर काबू पाना नामुमकिन था। इंसान मूसा बनने का इरादा करे तो अल्लाह उसके लिए मददगार भेज देता है। हम तो सिर्फ वसीला हैं, मदद करने वाला तो वही है। बेशक। मैं जा रहा हूं लेकिन दरवेश आपके पास अमानत है। अगर आप इसे मस्जिद में बच्चों को तालीम देने के लिए मुकर्रर कर दें तो मुनासिब होगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। जज़ाकअल्लाह। दरवेश, बच्चे बीज की तरह होते हैं। उन्हें अच्छी ग़िज़ा दोगे, दिल से देखभाल करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, भूलना मत। मुझे आपने इस काबिल समझा, मशकूर हूँ मैं आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। अमानत समझूंगा मैं इसे आपकी। मुझे इजाजत है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। Thank you.
ओहदे के आलिशान लश्कर को इस सरजमीन पर जाया किया है तुमने। अपने ही सिपाहियों को कत्ल किया। आज के बाद से फतह नहीं, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर होगी। तुमसे जब तक कमान वापस नहीं ले ली जाती, मैं तुम्हारी राह में हायल रहूंगा नोयान। अपना जमीर बेचकर नोयान के लश्कर में तुम खुश हो अब्दुर्रहमान? मैंने कुछ नहीं बेचा है। मैं सिर्फ ओहदे के अजीम लश्कर में ऊंचा मकाम चाहता हूं अपना। मरवा देगा वो हमें। मौत हमेशा साए की तरह हमारे पीछे रहती है। हमारी नाकामी मौत से मशरूत है, और मौत से बचकर वापस आ भी जाएं तो जिंदा बच जाने पर अफसोस होने लगता है। तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो तंगुद। कल कारबे को वो कोनिया भेज रहा है। हलीमा सुल्तान को उसने अलाउद्दीन से मुलाकात करने से पहले मार देने का हुक्म दिया है, और अगर इसमें भी कामयाबी ना मिली तो वो मुझे भी बिला ताखीर मार देगा। थक चुका हूं मैं अब। मेरी बात समझो तुम, कुछ हासिल नहीं होगा यहां। चलता हूं मैं। कब तक बर्दाश्त कर पाते हो तुम, देखते हैं। अगर हमारा मुकद्दर मौत है तो याद रखना तंगुद, अब्दुल रहमान मौत से नहीं डरता। अतुल को मेरे हवाले तुम ही करोगे अब्दुल रहमान। कुछ भी हो जाए मैं उससे चिंता नहीं छोड़ूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तू तकिन इससे मुत्तफिक ना हुआ तो। वो मुत्तफिक हो या ना हो, यही बेहतरीन फैसला है हम सब के हक में। जितना नुकसान हम उठा चुके हैं उसके बाद सबक हासिल कर लेना चाहिए हमें। दुरुस्त कहा तुमने। इसकी बात बिल्कुल सही है वालिदा। जिरगे में यह मामला अब तय हो जाना चाहिए। मैं मुत्तफिक हूं, लेकिन तुम अकेले नोयान का मुकाबला कैसे कर सकोगे? दुआन है, तुर्गुत और बमसी, ये सब है ना मेरे साथ। गेकली है, अब्दुर्रहमान है। चरखा शुरू होने वाला है।
मुझे पूरा यकीन है अर्तुरुल हमारे लिए मसला खड़ा करेगा। कुरकुद भी बिल्कुल बदल गया है, दिन रात बस जबान पर अर्तुरुल है। अगर हमने कोई इंतजाम ना किया तो अगली बारी हमारी है। इतनी जल्दी नहीं, मैंने अभी अपना दाव नहीं खेला है। कोनिया के महल में अर्तुरुल जैसों की तरबियत की है मैंने, कुछ दिन उसे अपनी फतह का जश्न मना लेने दो। अर्तुरुल आपकी सोच से कहीं ज्यादा चलाक है भाई। तू तक इनको उसके खिलाफ खड़ा करूंगा मैं, पहले उन्हें आपस में लड़ने दो, फिर देखता हूँ कितना जहीन है वो। अगर उन्हें हमारी सच्चाई पता चल गई और कोचाबाज की तरह हमारा राज भी फाश हो गया। उसकी इतनी जिंदगी नहीं आए दुल्हन, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया नोयान? ये जगह ज्यादा महफूज है, कई कबीला और दोदुर का कबीला दोनों ही तबाही के दहाने पर थे अफरासियाब। खबर मिल गई है मुझे, मौसम सरमा इससे पहले कि खत्म हो जाए इन दोनों से हिसाब लेना होगा। हम इनको एक साथ काबू कर सकते हैं नोयान? जानता हूं वो मंगोल लश्कर के सामने पहाड़ की तरह खड़े होंगे, वैदे की फौज को तो शिकस्त नहीं दे सकते लेकिन जानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैदे का लश्कर जब तक कोनिया नहीं पहुंचता हमले करते रहेंगे वो हम पर। तुम उससे क्या चाहते हो नोयान? गुंदुगदो को जो सोना देना है साथ लाए हो क्या? बिल्कुल लाया हूं। बहुत खूब, सोना अपने साथ लेकर मत जाना जब तुम जानवर और सामान वसूल करने जाओ। लेकिन नोयान हमारा सौदा तो। तुमसे जो कहा जाए बस वो करो। तुम ये कहोगे कि सोना अर्ज़े रूम के रास्ते में है, इस दौरान तुम्हें वहीं कायम करना होगा और मेरा बताया हुआ एक काम सरंजाम देना होगा। गुंजागुल खातून। गुंदोगदू साहब। कैसी हैं आप? ठीक हूं मैं। आपके बाबा खुशकिस्मत इंसान हैं। आप हर दिन उनकी दवाओं के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी करती हैं। उन जैसे इंसान की बेटी होना भी मेरे लिए खुशनसीबी की बात है गुंदोगदू साहब। जिससे आपकी शादी होगी यकीनन वो शख्स भी बहुत नसीब वाला होगा। अगर कोई बहादुर मेरी सीरत से मुतासर हुआ तब मैं जरूर सोचूंगी उससे शादी करने का, और फिर मेरा भी फर्ज होगा कि उसे जिंदगी की और औलाद की तमाम खुशियां दूं। तो फिर वो वक्त आ गया है कि मैं आपसे अपने दिल की बात कह दूं। तो ठीक है, कहिए। गुंजागुल खातून, मैं आपके साथ और इंशाल्लाह हमारे बच्चों के साथ बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। सुनकर मुझे खुशी हुई गुंदोगदू साहब।
सरदार, अभी आपके जख्म ताजा हैं। इस हालत में कहां जा रहे हैं आप दूतकिन? अर्तुरुल जिरगे में कुछ भी कर सकता है। अगर आप कमजोर हालत में गए तो अर्तुरुल का काम मजीद आसान हो जाएगा। उनके जख्मी होने की वजह से जिरगे ने उनसे कमान वापस ली थी और इस वक्त आप जख्मी हालत में हैं। अगर आप जिरगे में गए तो अर्तुरुल को मौका मिल जाएगा। मैं जिरगे में शिरकत जरूर करूंगा कोकचे। उसे अगर गुमान है कि वो बाबा और जिरगे को कायल कर लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। वो जान लेगा कि मैं तन्हा नहीं। अब्दुर्रहमान भाई, क्या हुआ? गेकली भाई, वक्त नहीं है हमारे पास। फौरन जाए अर्तुरुल भाई को खबर दे। हलीमा सुल्तान और सुंगुर तकिन दोनों की जान खतरे में है। क्या? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है। सरदारान, हम पर बहुत कड़ा वक्त था। दुश्मन हमारे बहुत नजदीक आ चुका था। अर्तुरुल साहब का शुक्रिया जिनकी वजह से हम उन साजिशों का मुकाबला कर पाए। और आज हम हाइमा खातून की दरखास्त पर यहां जमा हुए हैं। अर्तुरुल साहब को भी मैं यहां जिरगे में देखना चाहता था। आमद का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। शुरू कीजिए हाइमा खातून। दुदुर्गा और काई कबीले के मौजज हजरात, कबीले पे मंगोलों के हमले के बाद हमने दोनों कबाइल के सिपाहियों को एक मुत्तफिका सिपा सलार की कमान में दिया था और मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि हम आज भी इस जिरगे के उस फैसले की ताईद करते हैं। अगर आप अपने फैसले पर कायम हैं तो ये जिरगा बुलाने का क्या मकसद? अर्तुरुल साहब को जिस दिन उनकी जिम्मेदारी से बर्खास्त किया गया था उस दिन उनका कहा हर लफ्ज हर्फ ब हर्फ बिल्कुल सही साबित हो रहा है। आप लोग इत्तफाक करते हैं मेरी बात से? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अर्तुरुल भाई ने जो कुछ भी कहा सब सच साबित हुआ। तो अब आपको उस फैसले पे पछतावा है? नहीं, लेकिन अर्तुरुल साहब अगर यहां होते तो जो कुछ हुआ है हरगिज नहीं होता। दुश्मन गजबनाक है
और हालात की नजाकत सबके सामने है। हम इल्जाम नहीं दे रहे किसी को, हम सिर्फ एहतियाती इकदाम करना चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए। मुझसे मेरी कमान वापस लेना चाहते हैं ना आप? हमारी दरखास्त है कि सिपाहियों की कमान हमें वापस की जाए। इस मौके का फायदा उठाकर तुम लोग खुद को मजबूत करना चाहते हो। मजबूत होने का मतलब जानते हो तुतकिन? अपने गुस्से और नफरत को भूलकर इस्तेकामत की राह पर चलना। बहरहाल तुतकिन का फर्ज था कि वो तमाम सिपाहियों को मुत्तहिद रखते, लेकिन इसमें नाकामी हुई इनको। नौयान को मौका मिल गया और उसने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। बिलाखिर तुम्हारा असल चेहरा सामने आ ही गया ना अर्तुरुल। तुम इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो। अब क्या अपने एक हाथ से अब यह जिम्मेदारी संभाल लोगे तुम? बताओ अर्तुरुल। नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं मुझे। हम ये चाहते हैं कि गुंदोगदू साहब यह जिम्मेदारी संभाले। बिल्कुल सही बात मानने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही बात है। मैं भी तमाम सिपाहियों की कमान गुंदोगदू के हाथ में देने के हक में हूं। मैं इस बारे में आपकी और तमाम मौजज़ीन की राय जानने की मुंतजर हूं। ये आपकी ख्वाहिश है हाइमा खातून, लेकिन मेरी राय में इस मौजू को यहीं खत्म कर देना ज्यादा मुनासिब है। सिपाहियों को क्या कहेंगे, लोगों में क्या तासुर जाएगा? अगर फैसलों को यूं ही तब्दील करते रहे तो जिरगे की अहलियत पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं सरदार। इजाजत है आतुक साहब। काफी अरसे से कबीला अफरा तफरी का शिकार है, इसीलिए लोग इत्तेहाद ना होने की वजह से अजियत में मुब्तिला हैं। जब तक हम यकजहती के साथ दुश्मनों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हमारा कामयाब होना नामुमकिन है। जनाब, जब हमने काई कबीले को अपना लिया है और हमारी मंजिल भी एक है, तो इन्हें यह हक मिलना चाहिए। शुक्रिया। तो ठीक है, फिर यह फैसला जिरगे के जरिए लिया जाएगा। और अब गुंदोगदू साहब को जंगजुओं की सरबराही देने के हामी हजरात अपने हाथ बुलंद करें।
भी मुत्तफिक हूं फैसले से। बहुत शुक्रिया गुमश्तकिन साहब। सरदार, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहो बेटा, इजाजत है। शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा। मैं हमेशा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत शुक्रिया। मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरे लिए दोनों कबाइल के सिपाही और तमाम जंगजू भाइयों की तरह मोहतरम है। मैं उन्हें एक बाप की औलाद की तरह मुत्तहिद करके जंग के लिए तैयार करूंगा। अल्लाह हमें अपने किए गए फैसलों की बरकत से कामयाबी अता करे। आमीन 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 आमीन। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुरखुरू करे। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दे। ऐसा क्यों किया आपने गुमश्तकिन साहब? हाँ, कबीले वालों के सामने मुझे कमतर साबित किया है आपने। गलत फहमी है तुम्हें, ये मैंने नहीं तुम्हारे बाबा ने किया है। तुम्हारे बाबा और दीगर अकाबिरीन पहले ही जहन बना चुके थे अपना। उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दे दी क्योंकि वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी वापस लेना चाहते थे। काश के मेरे अख्तियार में ये सब कुछ होता। काश। और अब पहले तुम खुद को संभालो और अपनी शादी की तैयारियां करो। अपनी प्यारी सी दुल्हन के साथ अच्छा वक्त गुजारो। तुम्हारा असल काम, असल इम्तिहान इसके बाद शुरू होगा। क्या मतलब है आपका? तू तकिन, तुम एक समझदार आदमी हो। तुम्हारे बाबा ज्यादा दिन सरदारी का बोझ नहीं उठा सकते, बीमार हैं, ज्यादा वक्त भी नहीं है उनके पास। आने वाला वक्त तुम्हारा है तू तकिन, भरोसा रखो मुझ पर। वो वक्त जब भी आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे तुम। वालिदा, मैं कल शादी का पैगाम लेकर जाना चाहता हूं। आपकी इजाजत दरकार है। अगर सैलजान इस फैसले पर राजी है तो मैं इसे तलाक नहीं दूंगा, और अगर नहीं तो इसकी मर्जी। अगर आपकी खुशी इसी में है, बच्चे चाहते हैं और अपना खानदान बढ़ाना चाहते हैं आप, तो मैं राजी हूं इस पे। लड़की कौन है?
जगुल खातून। गुमश्तकिन जानता है ये बात। मुझे खुशी होगी कि आप अगर उन्हें किसी के जरिए आगाह करते हैं कि हमारा वहां आने का मकसद क्या है। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है और सलजान बेटी भी रजामंद है तुम्हारी शादी के लिए तो तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है, आबाद रहो। बहुत शुक्रिया, मुझे अब इजाजत दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। अल्लाह इन दोनों को सब्र अता करे। मुझे इजाजत दीजिए। आप क्या कहती हैं वालिदा, क्या गुंजा गुल खातून भाई के लिए मुनासिब साबित होंगी? सलजान मेरी पसंद थी लेकिन गुंदोगदो की उससे नहीं बनी। अब उसे अपना फैसला खुद लेने का हक है। ठीक है वालिदा। हलीमा की वापसी की कोई खबर है? दुआ करें उसे जो काम सौंपा है वो मुकम्मल हो जाए, जल्द कामयाब होकर लौटेंगी वो इंशाल्लाह। या अल्लाह, कोई शक नहीं कि तू सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है। हमारे खिलाफ साजिशों को नाकाम कर दे या रब। मेरे मालिक, मुझे दुश्मनों के गलबे से महफूज रख, मुझे ताकत अता कर ताकि मैं तेरे महबूब नबी की उम्मत को मुत्तहिद कर सकूं जो टुकड़ों में बिखर चुकी है। हमें दुश्मनों के शर से बचाने पर तू ही कुदरत रखता है। मदद कर हमारी कि तेरा हुक्म बजा ला सकें हम। हर जगह मशरिक व मगरिब में तेरे ही नाम का चर्चा हो। हमारी मदद फरमा ताकि आज़ाने मोहम्मद की गूंज दुनिया के कोने कोने तक सुनाई दे। या रब, मुझे अपनी राह से मत भटकाना।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आओ गेट लिए आ जाओ। अर्तुरुल भाई, अब्दुल रहमान भाई नोयान की तरफ से एक अहम खबर लाए हैं। कैसी खबर? हलीमा सुल्तान खतरे में है वो भाई, महल में ही उन्हें जान से मारने के लिए काराबे को रवाना किया है नोयान ने। क्या करूंगी वालिदा, मैं किसी और औरत के खेमे में कैसे उन्हें जाता देखूंगी? अगर तुम चाहती हो उसे तो तुम्हें लड़ना होगा मेरी जान। अब भी तुम हो उसके दिल में, वो तुम्हारी कुर्बानियां अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो और इसी वजह से वो तुम्हें तलाक नहीं दे रहा बेटी। अगर वो चाहता तो तुमसे इजाजत लिए बगैर भी शादी कर सकता था। वो मुझे मार डालता, हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने की असीयत से तो बच जाती मैं। मुझे जाना होगा भाई, अगर काराबे को नहीं रोका मैंने तो हलीमा सुल्तान और तेली दमीर की जान को खतरा हो सकता है। अर्तुरुल, ये मुनासिब नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। भाई, वालिदा और कबीला आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई मुश्किल आई मुझ पर तो सबसे पहले वो खबर आप तक पहुंचेगी। नहीं मेरे भाई, इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर कभी कुछ हुआ तो तुम मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाओगे। शुक्रिया भाई। अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो आपके सामने गोंजा गुल के वालिद का चेहरा देखने के लायक होगा। तुम भी कभी कभी कैसी बातें करते हो। नौयान का मुखबर कौन है बताओ मुझे, बताओ काराबे, बताओ।
बोलो। अगली बारी तुम्हारी अर्तुरुल। अल्लाह आपको खुशियां अता करे, औलाद की खुशी नसीब हो और आपकी नस्ल परवान चढ़े। हमारे दरमियान कोई गद्दार है तांगुत, और उसी गद्दार ने कारा बे को अर्तुरुल के हवाले कर दिया। अर्तुरुल को मुझ तक वही पहुंचाएगा।